आपसे फिर मोबाइल्स ले लूंगी. स्टूडेंट्स प्लीज गिव सम अलमाइटी अल्लाह द मोस्ट प्रेशियस. Yeah.
Dr. Akila. सोसाइटी ऐसा कोई बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक उस्ताद को एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, वो इतने अरसे सर्व करता है तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इम्पैक्ट होता है और उसे कॉन्फिडेंस फील होता है कि कोई मेरी जितनी भी सर्विसेज है उसको एडमायर कर रहा है, उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है और वो उसके बाद ज़्यादा स्ट्रेंथन होकर काम करता है। इसलिए मैं ऐसे अवार्ड्स को हमेशा इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये होने चाहिए और मानूर की शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बच्चियाँ जो हैं, जो हमारी ये डॉक्टर्स बनकर आई हैं और उन्होंने 2004 से अभी तक हमें सर्व किया। इसके अलावा कॉलेजेस और स्कूल की असातिज़ा जिन्हें ज़िंदगी में शायद किसी ने ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया, ये एक ऐसा पैनल था और इतनी बहुत सी स्टूडेंट की मौजूदगी में उन्होंने अपने आप को बताया, उनके काम को बताया, तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि काम है, सब सर्विंग है। आज के दिन हवाले से ये कहूँगी कि मैं मैडम वीसी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जहाँ पे हमारी जो अचीवमेंट्स हैं और हमारी जितनी भी मेहनत है उसको सराहा गया और हमें अवार्ड्स दिए गए। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि आज का दिन खुशी का दिन भी है जहाँ पे हम सबको एक्नॉलेज किया गया है, मगर दिल उदास भी बहुत है क्योंकि आज हमारी मैडम वाइस चांसलर जो है वो जा रही हैं और हमने उनको जो है फेवरल दिया है, मगर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और मैडम वाइस चांसलर जो प्रोफेसर जनवीर है हमारे दिलों में हमेशा सारी जिंदगी जिंदा रहेंगी क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी को ये बहुत ऊँचे मकाम पर पहुँचाया है। एक वक्त वो था जब यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता था, मगर आज यूनिवर्सिटी को सब जानते हैं और बहुत अच्छे नाम से जानते हैं।